अस्सलाम वालेकुम वर्स, आप देख रहे हैं अनायस किचन। अनायस किचन में आज मैं आप लोगों के लिए यमी चॉकलेट केक लेकर आई हूँ। बहुत ही सिंपल है और इजी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आप लोगों को पहले चॉकलेट गिनाश बताऊँगी। ये देखिए, मैंने पैन के अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के मैंने क्रीम लिए। ये व्हिप्ड क्रीम है, आप नॉर्मल क्रीम भी ले सकते हैं। अगर आप वाली नॉर्मल क्रीम लेंगे तो वो तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून जाएगी। ये व्हिप क्रीम है तो इसलिए मैं भर के 2 टेबल स्पून ले रही हूँ। और इसको हम मेल्ट करेंगे। और इसके अंदर ये देखिए, मैंने पाउडर शुगर डाली है तकरीबन 3 टेबल स्पून भर के। अब हम इसको मेल्ट करेंगे अच्छे से, बबल्स आने लगेंगे इसके अंदर। हम ये थिक गनाश बना रहे हैं। इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैं वाइट बटर ऐड कर रही हूँ। आप नॉर्मल बटर भी डाल सकते हैं, ऑयल भी डाल सकते हैं आप। अब ये मैंने डार्क चॉकलेट ली, तकरीबन 150 ग्राम है। अब इसको हम अच्छा सा मिक्स करेंगे। ये देखिए थिक हो गई है। अब मैं इसके अंदर 3 to 4 टेबल स्पून मिल्क शामिल कर रही हूँ। ये देखें, अच्छा सा ये मिक्स हो जाएगा। और आप ये देखिएगा कितनी शाइनी हमारी गनाश रेडी हो जाएगी। देखिए अच्छे से मिक्स करूँगी, बस ये रेडी है हमारी। अब मैं केक की प्रिपरेशन कर लेती हूँ। केक में मैं जर्दी और ये देखिए मैंने सफ़ेदी अलग कर ली है, तकरीबन 3 अंडों की सफ़ेदी है। इसको अच्छा सा बीट करेंगे कि बिल्कुल ये थिक हो जाए, क्रीमी हो जाए अच्छे से। ये देखिए मैंने अच्छे से बीट करा है, बिल्कुल थिक हो गई है। अब मैं इसको अलग रख दूंगी। ये देखिए एग योग है, 3 एग योग है। इसके अंदर जो है मैं तमाम बैटर वगैरह ऐड करूंगी। अच्छा सा इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए अंडे की जर्दी हमारी अच्छी से मिक्स हो गई है। अब मैं जो है इसके अंदर ये देखिए पाउडर शुगर शामिल कर रही हूँ 1/2 कप। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। जब ये मिक्स हो जाएगी तो हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। मैदा तकरीबन ये देखिए 1/2 कप मैंने मैदा लिया है। और इसके अंदर देखिए 1 टेबल स्पून मैदा जो है वो मैं निकाल रही हूँ। और इसके बदले में 1 टेबल स्पून भर के कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। बस रह गई ये 1/2 कप ही। अब 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बेकिंग पाउडर शामिल कर रही हूँ। और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर देंगे। मैंने ये मैदा बेकिंग पाउडर इसको मैंने छान लिया है। और मैं इसको स्लो स्लो मिक्स कर रही हूँ। ये देखिए तमाम ऐड कर दें, अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। अभी ये तकरीबन समझे एग योक के अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट डल रही है। आप लोग बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा, ये ठीक होता जाएगा। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1/2 कप ऑयल शामिल कर रही हूँ। मिक्स करेंगे इसको। अब मैं इसके अंदर कोको पाउडर ऐड करूँगी। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैंने कोको पाउडर ऐड किया इसके अंदर। और मैं इसको मिक्स करूँगी। देखिए ठीक होता जा रहा है, बिल्कुल परेशान मत होइएगा। अब मैं इसके अंदर मिल्क ऐड करूँगी तो ये अच्छे से लिक्विड बन जाएगा। इसको मिक्स करना है हमें। अब ये देखिए 1/2 कप जो है मैं मिल्क ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। केक का बैटर हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। अब मैं इसको जो हमने सफ़ेदी बीट करके रखी थी इसमें मिक्स करते जाएंगे। स्लो स्लो हमें इसको फोल्ड करना है। अच्छे से हम मिक्स करेंगे इसको। बहुत अच्छे से हमें इसको फोल्ड करना है कि कोई लम्स ना रहे इसके अंदर। तमाम ये देखिए बैटर मैंने इसमें ऐड कर दिया। और इसको अच्छा सा मिक्स करूँगी। हमें फोल्ड करते जाना है इसको।
ये देखें मिक्स हो रहा है। हमारा केक का बैटर बिल्कुल रेडी है। मैं फाइनल इसको मैं बीटर से लाइट सा बीट करूँगी। ये देखिए मैंने स्लो थोड़ी देर तकरीबन 2-3 मिनट के लिए मैंने बस बीटर से बीट किया इसको ताकि कोई लम्स ना रहे। और पैन जो मैंने पहले ही ऑयल और मैदे से ग्रीस कर लिया, ऑयल लगा के फिर मैंने मैदे से डस्ट कर दिया था। देखिए तमाम बैटर हम इसमें शामिल करेंगे और उसको टैप करेंगे ताकि कोई बबल्स वगैरह बाकी ना रहे। ये देखिए मैं कढ़ाई मैंने पहले ही चढ़ा दी थी, प्री हीट कर दी थी। ये देखें केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया, तकरीबन 20 मिनट्स लगे इसको। ये देखिए हमारा केक बिल्कुल रेडी है, ठंडा हो गया केक। मैंने 20 से कट पहले कर दिया था और ये हमारी चॉकलेट गिनाश है। यम्मी सा मज़ेदार केक हमारा बिल्कुल रेडी हो गया। ये मैंने फुल चॉकलेट गिनाश बनाई है, वरना इक्वल क्वांटिटी होती है क्रीम और चॉकलेट की। ये फुल चॉकलेट केक है तो बहुत मज़ेदार इसकी गिनाश है, बहुत ही ज़बरदस्त यमी और टेस्टी केक है, बिल्कुल चॉकलेटी केक है। बस केक हमारा जब हम बिल्कुल ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फिर बीच से कट लगाएंगे और फिर इस पर हम गिनाश लगाएंगे। अगर आपको लगे कि आपकी गिनाश बिल्कुल हार्ड हो गई है तो आप उसके अंदर 2-3 टेबल स्पून मिल्क और ऐड कर दीजिएगा तो ईज़िली आपकी रेडी हो जाएगी गिनाश लगाने के लिए। ये देखिए मैंने इस पर स्प्रिंकल कर दिया, यम्मी केक बिल्कुल रेडी हो गया। ज़रूर ट्राई करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।